A very good morning, students. Yesterday we discussed chapter Deep Water, a Flamingo book by William O. Douglas. Today we will discuss few questions from this chapter. Let's begin with the first question. How did William O. Douglas develop an aversion to water? बेटा aversion, aversion means dislike, कि किसी चीज के लिए कोई भी चीज को आप like ना करना. कि विलियम ओ डगलस जो है वो उस वाटर का मतलब जो उसको हाइड्रोफोबिया हुआ उसको क्यों पैदा हुआ, मतलब उसको डिसलाइक, उसने वाटर को डिसलाइक करना क्यों स्टार्ट किया. आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आप लोगों ने कल स्टोरी सुनी है, मैंने आपको समरी बताई है, उसमें क्या बताया है कि कैलिफोर्निया बीच पर उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था. क्या इंसिडेंट हुआ था, फादर के साथ वो गया था जब वो 3 इयर्स का था, और फिर क्या हुआ, एक जो वाटर वेव थी उसकी वजह से वो पानी में गिर गया था, उसको डर बैठ गया था. तो अब जो पानी के लिए उसके दिल में डर बैठ गया जब वो पानी की वेव से गिर गया, तो वाटर एवर्जन जो था उसको वो स्टार्ट हो गया. सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया है कि इसको वाटर एवर्जन स्टार्ट कैसे हुआ था, आप ये लिखेंगे. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मदर वॉर्न डगलस अगेंस्ट रिवर याकिमा. मैंने आपको कल स्टोरी में ये भी बताया था कि उसने याकिमा रिवर पर तो नहीं सीखने के लिए गया था. द रीज़न क्या था वो बता देती हूँ अभी. उसने YMCA पूल पर जो था, जो उसकी सेफ माना जाता था, वहाँ पर उसने स्विमिंग सीखी थी. रीज़न क्या था, डगलस ने जो उसकी मदर थी उसने उसको क्यों मना किया. याकिमा जो रिवर थी दैट वॉज अ ट्रेचरस वन, खतरनाक, डेंजरस वन. ट्रेचरस वर्ड मैंने कल लिखा था, आप उसमें चेक कर लीजिए वीडियो में से, कि वो एक डेंजरस रिवर थी, कि बहुत सारी जो लाइफ थी, बहुत सारे लोगों की जान वो ले चुकी थी. अब एक मदर है, ऑब्वियसली बेटा आप लोग समझ सकते हो कि कोई मदर नहीं चाहेगी कि उसका बेटा एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे खतरा हो, जो ट्रेचरस हो, जो डेंजरस हो. सिंपल आंसर कि उसकी मदर नहीं चाहती थी. उसने क्यों वार्न किया, क्योंकि वो जो याकिमा रिवर थी वो खतरनाक थी, बहुत लोगों की जान ले चुकी थी, और बींग अ मदर वो अपने बेटे को जाने नहीं देगी. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, How did the misadventure at YMCA pool affect Douglas? पहले तो misadventure था क्या? Misadventure ये था कि जब वो 9-10 साल का हो गया था और वो पूल की साइड पे बैठा था, एक बड़े से 18 साल के लड़के ने उसको उठा के पानी के अंदर गिरा दिया बिना किसी रीजन के. अब उस misadventure ने जो YMCA पूल पर हुआ डगलस के साथ, उसने उसके ऊपर क्या अफेक्ट किया, उसको क्या प्रभाव डाला. उसने उसको ये अफेक्ट किया कि जब भी वो जाता था पानी को देखता था, लाइक क्योंकि उसको हाइड्रोफोबिया बता दिया जब उसको वाटर एवर्जन हो गया, वो क्या करता था, वो पूल पर गया ही स्विमिंग सीखने था, क्योंकि कैलिफोर्निया बीच पर वो उसके साथ जो बचपन में इंसिडेंट हुआ था डर बैठ गया था. लेकिन यहाँ भी उसके साथ क्या हुआ, एक बड़े लड़के ने उसको उठा के पानी में गिरा दिया. अब क्या सीन था कि मिस एडवेंचर के बाद जो था उसको अफेक्ट क्या हुआ, पैरालाइज, जो उसकी जो लेग्स बताई हुई है कि उसकी जो लेग्स थी वो पैरालाइज हो गई थी, वो बड़ा परेशान हो गया था, अब उसके दिल के अंदर डर बैठ गया था. अब कोई भी अगर उसके वाटर ट्रिप्स पे वो जाता था, कहीं भी वो पानी वाली जगह पे जाता था, वो एंजॉय नहीं कर पाता था, उसकी जो बॉडी है वो सपोर्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक उस इंसिडेंट से बाहर नहीं आ सका था. उसके पेट में भी प्रॉब्लम हो गई थी, वॉमिटिंग उसको स्टार्ट हो गई थी, वो गंदा एलगी वाला वाटर उसके अंदर चला गया था, और उसकी बॉडी जो थी एक पैरालिटिक स्टेट में बताई हुई है, ये अफेक्ट उसकी बॉडी पे हुआ था. मतलब वो एक ट्रैम्बलिंग वाली उस पोजीशन में था, कि उसकी बॉडी शिवरिंग कर रही थी, लेग्स उसकी सपोर्ट नहीं कर रही थी, एक सपोर्टिव उसकी जो बॉडी थी उस इंसिडेंट के बाद बहुत दिनों तक नहीं रहती. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विलियम और डगलस ने क्यों निश्चय किया कि वो अपने उस पानी के डर को ओवरकम करेगा. डिटरमिन वो क्यों था, रीजन क्या था. जब उसके दिल में पानी के लिए अवर्जन हो गया, चाहे वो कैलिफोर्निया वाला इंसिडेंट था, चाहे वो YMCA पूल वाला था, अब इसका मतलब वो किसी भी पानी वाली जगह पर जा ही नहीं सकता. तो क्या होगा, अब कैनोइंग के लिए, बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए कहीं भी वो जाएगा, अब उन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए डेफिनेटली उसको अपने उस वाटर एवर्जन को ख़त्म करना होगा. दैट्स वाई उसने क्या निश्चय किया कि वो अपने वाटर फियर को रिमूव करेगा, निकालेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. अब उसने ये डिटर्मिन तो कर लिया कि वो अपने उस डर को हटाएगा. अब क्वेश्चन ये है
कि उसने अपने उस पानी के डर को उसने उसको ओवरकम किया कैसे। ओवरकम करने के लिए उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर रखा, मैंने कल आपको वीडियो में बताया है, 5 डे वो प्रैक्टिस करता था, उसके वेस्ट पे एक रोप अटैच कर दी जाती थी और वो क्या करता था, वो स्विमिंग करता था, प्रैक्टिस करता था, बैक फ्रंट सारे स्ट्रोक वो उसको सिखाता था और वो प्रैक्टिस करता था 5 दिन लगातार। तो उसने ओवरकम करने के लिए क्या किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की ताकि जो डर उसके मन में पाने के लिए है वो चला जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डगलस मीन व्हेन ही सेज द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट। इसका मतलब क्या है, डगलस ने ये क्यों कहा, इंस्ट्रक्टर जिससे वो सीख रहा था स्विमिंग वॉज फिनिश, वॉज फिनिश का मतलब बेटा ये नहीं कि वो मर गया, वो खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्टर का जो रोल था वो खत्म हो गया, बट आई वॉज नॉट। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, कल भी पढ़ाया था, मैं इसके आज क्वेश्चन बता रही हूँ, मैंने आपको करवा दिया, मेरा रोल तो खत्म हो गया कि मैंने आपको चैप्टर करवा दिया, बट आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं, आप लोगों ने उसको सुना नहीं, आप लोगों ने उसको समझा नहीं। द सेम रीजन विद द विलियम और डगलस, कि इंस्ट्रक्टर का रोल तो खत्म हो गया पर विलियम और डगलस ने, क्योंकि अभी उसको कॉन्फिडेंस की कमी थी, अभी उसको ये लग नहीं रहा था कि उसको बहुत अच्छे से स्विमिंग आ गई है, दैट्स व्हाई ही सेज द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चैप सेड दैट थ्रू डगलस से इन द एंड। ये क्या, व्हाट डिड द चैप दैट थ्रू डगलस से इन द एंड, कि उस लड़के ने, उस 18 ईयर ब्रूजर जो उसमें बता रखा लड़का, एक हट्टा कट्टा सा लड़का, उसने जिसने उसको पानी में गिराया था, उसने क्या कहा एंड में। बेटा देखो कोई रीजन, मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि देयर वाज नो रीजन, कोई भी रीजन नहीं था उसको पानी में गिराने का। उसने उसको क्या कहा, आई वॉज जस्ट फूलिंग, मैं तो सिर्फ ऐसे मजाक कर रहा था, उसको नहीं पता था कि उसको तैरना नहीं आता। उसने क्या कहा था, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कि तुम्हें कैसा लगेगा कि मैं तुम्हें पानी में गिरा दूं और तुम लाइक एक स्विमिंग से करते हुए जाओगे। उसको आइडिया नहीं था कि उसको स्विमिंग नहीं आती, दैट्स वाई एक बहुत ही मतलब विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी रीजन उसने उसको उठाकर पानी में गिरा दिया था। ओके नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑल वी हैव टू फियर इज अ फियर इटसेल्फ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये रूजवेल्ट एक राइटर हुआ करता था, रूजवेल्ट की सेइंग लिखी हुई है कि हम जो डरते हैं वो किस चीज से डरते हैं, फियर से। ऑल वी हैव टू फियर, कि हमारे को डर, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आपने कल वीडियो में देखा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट एंड थर्ड अटैम्प्ट, पहले अटैम्प्ट में उसने माइंड में सोच लिया मैं नीचे जाऊंगा, हिट करूंगा, बॉटम से ऊपर आऊंगा। सेकेंड अटैम्प्ट में फिर सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा, फिर मैं जमीन पर जाके जब मेरी टोज टच होंगी बॉटम को तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। थर्ड अटैम्प्ट में वो क्या किया, उसने लिखा ना ऑल एफर्ट सीज, मैंने कल की वीडियो में लिखा था कि जब उसके सारे एफर्ट सीज हो गए, बंद हो गए, तब क्या हुआ, जब उसको बेटा हमें जो डर लगता है वो मौत के डर से डर लगता है। फियर, द फियर, ऑल वी हैव टू फियर इज अ फियर इटसेल्फ, हमें फियर का फियर होता है। जब तक उसने सोचा कि मुझे मौत से बचना है, उसने बड़े एफर्ट्स किए, जब उसको लगा कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे सारे थर्ड अटेम्प्ट तक मैं आ गया, मेरे सारे अटेम्प्ट हो गए पूरे जो मैं कर सकता था, उसने सारे एफर्ट्स छोड़ दिए। सारे उसके एफर्ट्स छोड़ने के बाद क्या हुआ, सारे एफर्ट्स छोड़ने के बाद अब उसको पता था कि मैं बचूंगा नहीं या मतलब जो भी होगा, उसने सारे एफर्ट्स छोड़ दिए, एफर्ट्स सीज हो गए, तो वो बड़ा रिलैक्स एंड काम हो गया। सो वी कैन से ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। बेटा फियर्स एंड टीयर्स आर साइकोलॉजिकल फिनोमेना, मतलब कि जो हमारे जो डर है या हमारे जो आंसू है वो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, मीन्स हम उसके लिए हार्ड एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन विन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन द टू क्वेश्चंस। बेटा मैंने दो क्वेश्चंस आपको बताया, एक मैंने बताया आपको मिस एडवेंचर और एक मैंने आपको बताया वाटर एवर्जन। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्लास टेस्ट में भी देखा गया है, वाटर एवर्जन दिया हुआ तो बच्चे मिस एडवेंचर लिख देते हैं, मिस एडवेंचर पूछा गया तो बच्चा वाटर एवर्जन। वाटर एवर्जन इन दोनों क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंस है, मैंने यहाँ जो लिखा है कि वो पूछा गया है। आपने क्या करना है, एवर्जन पानी के लिए जो उसकी डिसलाइक थी वो कैसे डिवेलप हुई, पानी के लिए उसकी एवर्जन जो स्टार्ट हुआ, जो उसका वो कैसे डिवेलप हुआ, जब वो 3-4 ईयर्स की एज में कैलिफोर्निया बीच। आपने अपने माइंड में रखना है कि कैलिफोर्निया बीच वाला जो आंसर है, जो कैलिफोर्निया बीच वाला इंसिडेंट है, वो तो उसका वाटर एवर्जन है।
और मिस एडवेंचर जो एक बिग ब्रूजर ऑफ 18 ने जो उसको पानी में थ्रू किया YMCA पूल वाला बेटा, वो आपका जो है मिस एडवेंचर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट मैसेज डज डगलस वांट टू कन्वे। कल की वीडियो में हमने लास्ट में मैसेज भी लिखा था कि अगर हम अपने पास से क्लिंगिंग चिपके रहेंगे तो अपना अपना प्रेजेंट जो है वो स्पॉइल करेंगे। बेटा आपने इसमें मैसेजेस बहुत सारे मिलते हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं, विद डिटर्मिनेशन वी कैन ओवरकम आर फियर्स। अगर हमारा संकल्प, अगर हमारा निश्चय दृढ़ है तो हम फियर को ओवरकम कर सकते हैं। वन मोर मैसेज, वी कैन गेट सक्सेस विद करेज, विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। मतलब हमें सक्सेस मिलती है हमारी हिम्मत से, हमारी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति से, हमारे दृढ़ निश्चय से और हमारी मेहनत से। ऐसा नहीं है कि बेटा आपने सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, बेसिकली जो ये 10 क्वेश्चंस हैं मेन क्वेश्चंस हैं। यू जस्ट गो थ्रू द ऑल द क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट, जितने भी दिए हुए हैं टेक्सुअल क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए हैं वो पढ़ लीजिए। एंड द मेन थिंग, फ्लेमिंगो बुक में से आपको पता है एक्सट्रैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। बेटा मैं आपको इसका वो साथ में भेज दूंगी, आपने एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर के करने हैं। ये 10 मेन क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको भेजे हैं, आपने लर्न करने हैं, समझने हैं, सोचे देखना है। अदरवाइज और भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।